नमस्कार दोस्तों, आपका अपने परिवार द स्पीड स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। हम लोग जो है अपने रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पर आज पहुंचे हैं, और प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पे जैसा देख रहे होंगे दोस्तों, क्वेश्चन लिखा हुआ। हमने कहा कि डेली आपको हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों, ये सारा देख रहे होंगे, क्वेश्चन हर टाइप का आपको डेली मिलेगा। और उसके बाद फिर दोस्तों इसमें आगे आंसर भी दिया गया है, ताकि जो है आप उसको जो है अगर प्रैक्टिस करें बाद में तब भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम एक बार फिर से शुरू करते हैं सारा क्वेश्चन। जैसा कि आप देख रहे होंगे लिखा है कि 3 पीढ़ियों के एक परिवार में 7 सदस्य रहते हैं, जिनमें से दो विवाहित हैं, पी आर का पिता है जो यम की माता है। मतलब एक प्रकार से ये जान लीजिए कि ये तो पता है कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखिएगा, 3 पीढ़ियों का एक परिवार है। 3 पीढ़ी का मतलब क्या हुआ दोस्तों, 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी और 3 पीढ़ी, यही 3 पीढ़ी है दोस्तों। अब जो लड़का जो रहेगा उसको मैं प्लस से दिखाऊंगा, और जो लड़की रहेगी उसको मैं माइनस से दिखाऊंगा दोस्तों। अब जैसे कह रहा है 3 पीढ़ियों के एक परिवार में 7 सदस्य रहते हैं, ठीक, 7 सदस्य रहते हैं जिनमें 2 विवाहित युगल हैं, पी आर का पिता है, पी जो है वो आर का पिता है, ठीक दोस्तों। फिर आगे क्या कह रहा है, जो यम की माता है, पी आर का पिता है जो यम की माता है। तो जब इस तरह का आ जाए तो याद रखिएगा, जो जिसके लिए आता है वो करीब वाले के लिए आता है, यानी कि पी आर का पिता है जो यम की माता है। जो आर है वो किसकी माता है दोस्तों, आर जो है वो यम की माता है। फिर आगे कह रहा है टी यन का पिता है, टी जो है वो यन का पिता है। चलिए दोस्तों इसको मैं लिख लेता हूँ, टी जो है वो यन का पिता है। फिर यम ओ की इकलौती नेफ्यू है, यम जो है यम ओ की इकलौती नेफ्यू है। नेफ्यू मतलब होता है दोस्ता भतीजी, नेफ्यू मतलब भतीजा। तो यम ओ की इकलौती नेफ्यू है, इसका मतलब दोस्तों ओ है, और ओ की भतीजी है मतलब इसके बहन की बेटी है दोस्तों। तो ये चीज़ तो पता हो गया, यम ओ की इकलौती नेफ्यू है। आगे चलते हैं, यन तीसरी पीढ़ी से संबंधित है, यन जो है तीसरी पीढ़ी से संबंधित है, यानी कि यहाँ पे संबंधित है, अर्थात यन ये हो गया। अगर यन ये हो गया दोस्तों, टी जो है माता है, टी माता है, और ओ की इकलौती नेफ्यू है यम, तो यम भी जो है भतीजी है दोस्तों। और कह रहा है कि टी यन का पिता है, टी जो है यन का पिता है, अर्थात ये प्लस। तो देखिए टी यहीं पे तो आएगा, तो अब देखिए टी और आर ये दोनों पति पत्नी हो गए दोस्तों, और इसका बेटा जो है ये हो गया, कोई दिक्कत। फिर आगे कह रहा है ओ क्यों का पुत्र है, जी हाँ दोस्तों ओ क्यों का पुत्र है। तो ओ जो है किसका पुत्र है, क्यों का, तो पी का, पी की पुत्री आर है, और आर जो है ओ की बहन है, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि पी के हस्बैंड का नाम क्या है, देखिए लिखा है ओ क्यों का पुत्र है, इसका मतलब ओ जो है वो किसका पुत्र है दोस्तों, क्यों का पुत्र है, यानी कि क्यों भी आपका प्लस रहेगा और पी जो है माइनस रहेगा। कहीं कोई दिक्कत है दोस्तों बताइए। याद रखिएगा 3 पीढ़ी कह रहा है कि एक परिवार में 3 पीढ़ी, अब देखिए 3 पीढ़ी हो गया, और इसमें 7 सदस्य हैं दोस्तों, 2 विवाहित युगल है, तो 2 विवाहित, एक तो आपका ये हो जाएगा और दूसरा आपका ये हो जाएगा। जैसा कि चलिए देखते हैं, ये देखिए देख रहे होंगे दोस्तों, अब इसमें क्या लिखा है कि लिखा था दोस्तों कि आर जो है, आर की माता कौन है, पी है। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों एकदम सेम टू सेम यही चीज़ अभी बनाया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों कह रहा है कि ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे होंगे दक्षिण पश्चिम पूर्व यही सब लिखा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है बिंदु यफ बिंदु ई के 5 में पश्चिम में है, 5 मीटर पश्चिम में है ये होगा। तो बिंदु यफ जो है दोस्तों, बिंदु यफ जो है बिंदु ई के 5 मीटर पश्चिम में है, ठीक। तो बिंदु यफ जो है दोस्तों, अगर बिंदु यफ इसको मान लें हम, तो बिंदु ई के 5 मीटर पश्चिम में है, ठीक। चूंकि हमको पता है दोस्तों कि ऐसे ही होता है, ये आपका हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम। तो कह रहा है कि यफ जो है
ई के पश्चिम में है, अर्थात ई के पश्चिम में है 5 मीटर। फिर आगे चलते हैं, बिंदु ए बिंदु ई के 5 मीटर दक्षिण में है, ई से 5 मीटर दक्षिण में है कौन सा बिंदु, बिंदु ए। ठीक, याद रखिएगा दोस्तों ये 5 है, चूंकि मैं इसमें ज़्यादा लंबी कर दिया हूँ, ये लंबी नहीं रहेगी, जितनी बड़ी ये रेखा रहेगी उतनी बड़ी ही ये भी रेखा खींचिएगा, क्योंकि 5 दोनों मान बराबर है, जब मान बराबर है तो रेखा भी बराबर होनी चाहिए। फिर आगे कह रहा है बिंदु बी बिंदु ए के 4 मीटर पूर्व में है, बिंदु बी जो है ए से 4 मीटर पूर्व में है। ठीक, तो यहाँ पे बिंदु बी है और इसकी दूरी कितनी है 4। फिर आगे कह रहा है कि बिंदु बी के बिंदु सी जो है बिंदु बी के 5 मीटर दक्षिण में है, बी से 5 मीटर दक्षिण में यहाँ कहीं बिंदु सी है हमारा। ठीक, आगे देखिए क्या कह रहा है, बिंदु डी जो है बिंदु सी के 2 मीटर पश्चिम में है, 2 मीटर पश्चिम में है। अब यहाँ से अगर पश्चिम आएंगे दोस्तों तो अर्थात इधर आएंगे कितना, दो सॉरी दोस्तों, यहाँ पर आपका क्या है बिंदु सी है दोस्तों, यहाँ पे बिंदु सी है। अब कह रहा है क्या निकालना है हमको, बिंदु यफ और सी के बीच न्यूनतम दूरी, बिंदु यफ और सी के बीच न्यूनतम दूरी। देखिए दोस्तों यहाँ से यहाँ तक 4 है, कलर में चेंज कर रहा हूँ तब आपको क्लियर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक दोस्तों 4 है, यहाँ से यहाँ तक दोस्तों 2 है, तो इसका जब आधा करेंगे तो इसका मतलब 2 यहाँ से यहाँ तक 2 है और यहाँ से यहाँ तक 5 है दोस्तों, अर्थात यहाँ से ले करके अगर अभी हम यहाँ तक करें तो यहाँ से ले करके यहाँ तक ये तो 5 हो गया और यहाँ पे 2 और मिल गया, अर्थात ये पूरा कितना हो गया 7 दोस्तों। फिर देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 5 है आपका और यहाँ से यहाँ तक ये 5 है दोस्तों, अर्थात यहाँ से ले करके यहाँ तक ये पूरा कितना हो जाएगा दोस्तों, ये पूरा हो जाएगा 10। अब निकालना किसका है, क्या मान है, यही मान निकालना है, यानी कि सी एफ का मान निकालना है, इसी का मान निकालना है दोस्तों। तो ये आपका 90° हो गया, 7 × 7 = 49 और 10 × 100 यानी कि 149 हो जाएगा, और कहाँ पर दोस्तों अंडर रूट में, अर्थात सी और यफ के बीच की जो दूरी हो जाएगी अंडर रूट 149 मीटर हो जाएगी दोस्तों। अब इसमें देखिए ऑप्शन में कहीं है नहीं है, तो जब नहीं है तो नन आप दीजिए इसका आंसर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत हो दोस्तों बताइए, देखिएगा इसमें ये किए हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक तो 5 हो गया हमारा, अच्छा ये 4 है दोस्तों, तो यानी कि अब सी के पास हमको निकालना था, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा हो गया क्या, यहाँ से यहाँ तक हमारा हो गया 5 ये है 4 ये है, 5 × 4 = 9 हो गया। और जब इसको निकालेंगे दोस्तों ये वाला, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 5 है हमारा, यहाँ से यहाँ तक 5 है, यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो ये पूरा कितना हो गया 10, तो 9 × 9 = 81 दोस्तों और 10 × 100 तो वही 181 हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है अब स्टेटमेंट दिया गया है, इसको मैंने बताया था दोस्तों कि याद रखिएगा जब जब आपको जहाँ जहाँ इस तरह मिलेगा खुला हुआ, अगर इधर से जा रहे हैं तो कुल खुला है अर्थात जा रहे हैं चले जाएंगे, लेकिन यहीं पर आगे कोई बंद वाला मिल जाएगा तो वहीं से फिर आगे आप नहीं जा सकते। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका और सबसे कम समय में यही सॉल्व होता है। जैसे अब हमको सी से जी तक जाना है, चलिए सी कहाँ है देखिए ये, तो सी से जी तक जाना है दोस्तों, तो सी से कहाँ गए हम, यन गए, सी से यन चले गए आराम से। फिर देखिए यन से बी गए, बी से जी गए, ठीक, अब हमको जाना कहाँ है, सी से यन गए, यन से के गए दोस्तों और के से यल गए, अर्थात हमको सी से जाना था जी पर और हम सी से जी पर बड़े आराम से चले जा रहे हैं, इसका मतलब कि सी इज ग्रेटर देन जी, ये दोस्तों सही है, कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरा देखिए यल इज लेस देन डी, यानी कि डी से हम कहाँ जा रहे हैं दोस्तों, यल पर जा रहे हैं, डी से यल पर जा रहे हैं, तो डी से यल कैसे जाएंगे, देखिए डी से यन पर आए, फिर यन से के पर आए, फिर के से यल पर गए, अर्थात डी इज ग्रेटर देन यल, ये भी सही है दोस्तों, अर्थात पहला भी सही है दूसरा भी सही है, कोई दिक्कत, मतलब पहले वाले में दोस्तों दोनों सही है हमारा। दूसरा वाला देखते हैं, यम इज ग्रेटर देन सी, मतलब यम से सी जा रहा हूं दोस्तों, तो यम से सी जाना है हमको, तो देखिए कहां जाते हैं, यम से डी गए दोस्तों, ठीक है पहुंच गए, फिर डी से के गए दोस्तों,
या डी से यल गए दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यल से हमको कहाँ जाना है, देखिए सी से हमको यम तक जाना था दोस्तों, सी से यम तक, तो सी से यम तक जाना था, सी हमारा ये है और यम हमारा ये है दोस्तों, तो सी से पहले ओ पर गए हम, ठीक। सी से कहाँ गए दोस्तों, ओ पर गए। क्या सी से हम यल पर जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं, सी से यल पर गए। फिर यल देखिए कहाँ है दोस्तों, यल हमारा यहाँ पर है, यल से यन पर गए, ठीक, यल से यन पर गए दोस्तों। अब यन जो है, क्या हम इसके पास जा पाएंगे, डी के पास, क्योंकि यम के पास डी बैठा है दोस्तों, ध्यान से देखिए, यम के सी से यम जाना है हमको, तो सी से यम जाना है और यम देखिए दोस्तों यहाँ पर है और यम के पास बैठा कौन है दोस्तों, यम के पास डी बैठा है, कौन बैठा है, डी बैठा है। तो इसका मतलब कि सी को पहले हम डी के पास लेकर जाएं, तो सी से यल गए, यल से यन गए दोस्तों, और यल से डी गए, डी के पास पहुंच गए। फिर क्या डी से हम यम तक जा सकते, नहीं जा सकते, क्योंकि रास्ता बंद है दोस्तों, अर्थात पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा चलिए, यम से सी के पास जाइए, तो यम से सी के पास अगर जाना है दोस्तों, तो यम से डी तो आप पहुंच जाएंगे, लेकिन इसके नीचे देखिए बराबर भी लिखा है, अर्थात हर जगह आपको, हर जगह आपको इसी तरह का चिन्ह मिलना चाहिए, तभी सही होगा। तो यम से सी जाना है दोस्तों, तो यम से डी जब जाएंगे तभी आपको देखिए यहाँ पर इज ग्रेटर तो मिल रहा है, लेकिन बराबर नहीं मिल रहा, अर्थात दूसरा भी गलत हो गया। तो पहले में दोस्तों दोनों सही, दूसरे में दोस्तों दोनों गलत। तीसरे में देखते हैं, बी से के जाना है, तो बी से यन गए, बी से यन गए, फिर यन से ओ नहीं जा पाएंगे दोस्तों, अर्थात पहला गलत। फिर यल से सी, सी से यल जाना है दोस्तों, तो सी से देखिए, सी से क्या हम यन के पास जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे दोस्तों, जब सी से यन के पास ही नहीं जा पाएंगे तो अर्थात ये भी नहीं जा पाएंगे। तो पहले में दोनों सही, दूसरे में दोस्तों दूसरा गलत, दूसरे में दोस्तों सी से यम चले गए थे ना, सी से यल गए थे, यल से डी, हाँ दूसरे में चले गए थे, तो दूसरे में पहला सही दूसरा गलत, और तीसरे में दोनों गलत, ठीक। ये दोनों स्टेटमेंट आपके लिए है, ये दोनों आप करिएगा दोस्तों। आगे देखते हैं, अब ये देखिए आंसर है कि पहले वाले में क्या है कि वन एंड टू फॉलोज दोनों सही है, फिर दूसरे वाले में देखिए वन नॉर टू फॉलोज कंक्लूजन वन, न तो एक सही है न तो दो सही है, फिर तीसरे वाले में नाइदर कंक्लूजन वन और टू फॉलोज, मतलब दोनों गलत है। तो वही चीज़ है दोस्तों, इसमें आंसर भी दिया गया है, आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे इसमें देखिए दोस्तों, बैंक वाले में तो इसमें सब का कोड पता होना चाहिए, लेकिन एसएससी और अन्य परीक्षा में जो आता है किसी एक का कोड पूछेगा, तो अगर किसी एक का कोड पूछेगा तो आप स्क्रीन से ही देखकर, जैसे आप देख रहे हैं हेल्प इसमें भी है दोस्तों, और हेल्प इसमें भी है, अर्थात इसमें दोनों में हेल्प और कुछ इसमें सेम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, हेल्प और टू दोनों में सेम है दोस्तों, तो हेल्प और टू दोनों में सेम है, तो इसमें दोनों में सेम देखिए क्या दिख रहा है, इसमें सो डी, सो डी दोनों में दिख रहा है, इसका मतलब कास्ट का जो हमारा कास्ट का जो होगा वो क्या हो जाएगा, जी ई हो जाएगा दोस्तों। फिर उसी तरह देखिए, अब इसमें दोनों में देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों आपको टू मिल रहा है, यहाँ पर टू मिल रहा है, ठीक, यहाँ पर दोस्तों पीस कास्ट टू, तो टू टू इसमें दोनों में सेम मिल रहा है, इसमें दोनों में देखिए कौन सा सेम है, तो यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं यन ए, यन ए दोनों में सेम है, इसका मतलब टू का हो जाएगा यन ए। तो इस तरह भी हम करके निकाल सकते हैं। तो चूंकि जो ऑप्शन रहेगा भाई, हमको किसी एक का पूछेगा, एसएससी और रेलवे में दोस्तों किसी एक का पूछेगा, बैंक में आपको सब सारा पूछेगा, तो बैंक वाले के लिए आप जो कल मैंने मेथड बताया था ये वाला, तो इस मेथड का प्रयोग करिएगा, और एसएससी वाले या रेलवे वाले जो स्टूडेंट हैं वो इसका प्रयोग करेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे केवल फिगर देख कर ही, मतलब कंप्यूटर पे ही ऐसे कटिंग करके, ऐसे निशान लगा के ऐसे सीधा लिख लेंगे आप, क्योंकि उसमें किसी एक का पूछता है बैंक और उसमें रेलवे और एसएससी में, लेकिन बैंक में सब का पूछता है, इसीलिए बैंक में ये वाला मेथड आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। तो ये सारे प्रश्न हैं दोस्तों, आगे चलते हैं, ये भी देखिए उसी में का है, आपको बताना है। अब इसे ये बैंक का क्वेश्चन था दोस्तों, तो देखिए बैंक में आपको पूरा अर्थात सब का जब पता होगा तभी आप इसको हल कर सकते हैं, ठीक। तो ये आपका प्रैक्टिस है दोस्तों, इसको करिएगा, अगर नहीं आएगा फिर बताइएगा, ठीक। दो क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस के लिए है। तीसरा चलिए आगे चलते हैं, लिखा है दोस्तों कुछ टाइट इंपैक्ट हैं, चलिए
कुछ टाइट, इसको दोस्तों ऐसे ही करना है, कुछ टाइट इंपैक्ट हैं, तो देखिए कुछ टाइट इंपैक्ट हैं, केवल कुछ हेड टाइट हैं, ये टाइट कर दीजिए दोस्तों, ये इंपैक्ट कर दीजिए, कुछ हेड टाइट हैं दोस्तों, तो यहां पर कुछ हेड भी है दोस्तों, ठीक। फिर आगे देखिए, सभी इंपैक्ट गुड हैं, सभी इंपैक्ट दोस्तों क्या हैं, गुड हैं, तो कह रहा है कम से कम कुछ इंपैक्ट टाइट हैं, तो देखिए इंपैक्ट ये है आपका, टाइट ये है, तो कुछ इंपैक्ट टाइट है, अर्थात पहला सही हो गया। फिर कुछ टाइट निश्चित रूप से हेट है, देखिए टाइट तो ये है आपका और हेट ये है, तो क्या कुछ टाइट हेट है दोस्तों, तो हैं, अर्थात दोनों सही हो जाएगा पहले वाले में। दूसरे में देखिए कह रहा है दोस्तों, दूसरे वाले में कह रहा है कुछ टाइट इंपैक्ट है, ठीक है, कुछ टाइट, यही वाला जो ऊपर वाला कथन है, यही कथन ये भी लिखा है। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, इसमें आपका कह रहा था कि सभी हेट कभी टाइट नहीं हो सकते और सभी जूनियर्स लेजेंड नहीं हो सकते, तो वही चीज है दोस्तों, इसको कर लीजिएगा, देखिएगा जहां कहीं दिक्कत हो बताइएगा, ठीक। तो ये सारे प्रश्न हैं दोस्तों, ठीक, इस पर हम लोग कल फिर से चर्चा करेंगे, ये इसके आंसर हैं। पीडीएफ के लिए दोस्तों आपको मैंने बताया था, ठीक, ये देखिए कल किसी ने किसी मित्र ने क्वेश्चन भेजा था एक, ठीक है ना, तो ये कौन था, सचिन कुमार राजपूत, सचिन कुमार राजपूत ने क्वेश्चन भेजा था, तो इसको मैं सॉल्व करा दिया हूँ आज वाले में, ये उसका, अच्छा रुकिए दोस्तों, इसको नहीं, हाँ ये पजल का क्वेश्चन है, तो इसको मैं सॉल्व करा दूंगा बाद में, ठीक। तो ये था आपका दोस्तों, आज हमने जो है चर्चा की, तो इसको, इसकी पीडीएफ, हाँ पीडीएफ के लिए दोस्तों, पीडीएफ याद रखिएगा, पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द स्पीड स्टडी पर मिल जाएगी दोस्तों, ठीक, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।